सिंध में तो नामीगरा में बाबा गिना जाते रहे, और जो लोक परिवार थे तो उन्हों का उन्हों से कनेक्शन था, वो भी नामीगरा में रहे। तो इन दोनों के लेन देन का कनेक्शन रहते है। और हमारे साथ जो आनंद किशोर भाई बैठे हैं तो वो भी हमारा लौकिक में देवर का गिना जाता है। तो लौकिक रीति में भी कनेक्शन भी था और आकर्षण भी रही। आप कहेंगे लौकिक रीति में कनेक्शन तो रहा, आकर्षण क्यों रही? ये फिर बाद में ही कहा, क्योंकि बाबा का जो भक्तिपन के संस्कार थे वो एक नामी ग्रामी गिना जाता था। भगत तो बहुत ही है, तो इसके लिए आकर्षण रहे। लौकिक माँ कहती थी मेरे बच्चों की लेन देन वहां हो, ये एक उनकी अंदर की दिल रही। खैर लौकिक माँ देखी है नीचे क्वीन बता बुढ़ी, क्योंकि वो ही मेरे को लेकर के चली थी। दोनों का ही निमित्त रखेंगे नहीं, तो जब उनकी ये भावना रही, लेकिन भावना कुछ बदल करके दूसरा रूप दिखलाया और फिर आखिरी दोनों की मन की सर्व कामनाएं पूर्ण हुई, तो खुद भी यहाँ है। खैर इसके तो लंबाई चौड़ाई में नहीं जाते हैं, लेकिन एक बारी क्या हुआ, तो ये खुद तो बहुत ही नजदीक थी उनके संबंध में और मिलती जुलती रही थी। तो एक बारी कार में थी, कार उन दिनों में बड़ी नई बात थी, तो कार में जा करके वही छोटा सा कमरा था और बाबा हाथ में गीता उठा करके और ओम की धुनी लगाती। तो पहले दिन जब ये गई तो इनको बड़ा अच्छा लगा, जरा वो उन दिनों में बहुत अमीरी होते और नामी ग्रामी होते, लेकिन मन का दुख लगा क्योंकि उनका लौकिक पति ने गुजर कर दिया, खत्म हो गया। तो इसके लिए कहाँ कहाँ इधर उधर जाती थी तो समझती थी ये भी खुशी लेवे, क्योंकि मित्र संबंधियों के साथ रहने में थोड़ा वो दुख का अंश मेरे पास भी रहा, बाकी तो देखे तो हर प्रकार से सुख था। और बाकी कोई भक्ति के भी संस्कार जो बड़ों को देखते थे नहीं, तो फिर ऐसे ही करते थे, दान पुण्य तीर्थ वृत्त नियम और गीता भागवत से अति प्यार था। यानी इनकी क्या गति होगी, पढ़ने से क्या होगा, लेकिन एक भागवत में जो गोपियों की कहानी थी नहीं, वो बड़ी मीठी लगती थी। हर रोज वो जैसे कि मेरा एक नियम था पढ़ने का, और ये अंदर था तो मैं भी उन गोपियों को देखती थी। नाम तो मेरा गोपी था, तो मैं उन गोपियों को, कृष्ण के तरफ तो इतनी हिम्मत नहीं रही तो कृष्ण देखे, लेकिन गोपी के नाम से सदा भागवत पढ़ती थी, तो वो कृष्ण की लीला पढ़ करके आंखों में से आंसू आता था और वो बड़े प्यारे लगते थे। और गीता भी कई बारी पढ़ी, परंतु कुछ समझा तो नहीं, लेकिन उसके पिछाड़ी कुछ उनका थोड़ा फल का लिखा होता है ना, ये पढ़ने से ये फल मिलेगा, ये पढ़ने से ये फल मिलेगा। खैर ये भी एक खेल बजाया किया। बाकी जो कृष्ण की और गोपियों की, वो जैसे कि अंदर कुछ लगन रही, तो मैं उनको देखती थी कैसे कृष्ण से मिलती सिर्फ देखने की। खैर एक दिन तो वो जो अलौकिक माता गई थी, तो दूसरे दिन मेरे को वहां पहुंच करके और कार भेजी, और बड़ा नजदीक था तो मैं भी गई। तो मैं सामने ही जाते ही दादा को तो कई बारी देखा भी था, लेकिन कई बारी देखते हुए सिर्फ वो प्यारा लगता था, नहीं तो हिंदू नारी के लिए कोई पुरुष के तरफ दृष्टि भी नहीं जाए, तो दृष्टि नहीं थी। और मैं तो कभी बिल्कुल पिछला जमाना भी ऐसा था और कुछ संस्कार भी ऐसे थे, क्योंकि ऊंचे घर में पालना रही तो नजरदारी, जैसे दादी जी ने कहा नहीं, तो बाप के बिगर छुट्टी नहीं निकलते थे, तो ऐसे ही बंधन भी रहता था, बंधन नहीं होता था उस दिनों में, सेफ्टी समझते थे और प्यार समझते थे। तो ऐसे ही हम वहां पर जब बाबा के पास पहुंचे, तो सामने जाते ही बैठते ही बाबा की दृष्टि मेरे तरफ और मेरी दृष्टि बाबा की तरफ, तो ऐसे भी नहीं कहेंगी तो हम ध्यान में गई, दिव्य दृष्टि में गई,
लेकिन देखते ही यहाँ पर जो चक्कर रहा नहीं, एक लाइट का चक्कर इतना गोल यहाँ पर हमने देखा, मेरी दृष्टि वहां ही रही। और बाबा समझता शायद ये ध्यान में गई है, परंतु मैं सुन भी रही हूँ, लेकिन सुना तो वो बुद्धि में गीता क्या समझेंगे। बाकी लास्ट जब ही बाबा की ओम की धुनी रही तो जैसे कि हम उस लव में लीन अथवा खोई, जो आवाज था, जो रस था, अर्थ नहीं समझा, और लाइट का पूरा ही समय, अभी तो एक सेकंड देखे नहीं लेकिन पूरा ही समय जैसे कि मैंने लाइट देखी, तो उस समय मेरे को यही अंदर आया, यानी कोई सज सजाया कृष्ण नहीं देखा, लेकिन मुझे कृष्ण की भासना आई, तो ये कृष्ण है, यही कृष्ण है। तो बाबा ने कहा तो सुना सत्संग, मैंने कहा सत्संग सुनते, लेकिन एक मेरा प्रश्न जरूर है। बाबा ने कहा क्या? मैंने कहा स्त्री को तो कोई गुरु करने का अधिकार नहीं है। कहा मैंने तो सुनाया ही नहीं तो गुरु करो, बात तो बरोबर थी, लेकिन मैंने समझा बन बनाया बैठा हुआ है, गीता कहानी सुना रहे हैं, जहाँ चाहिए जहाँ जाते हैं तो गुरु ही देखते हैं। तो बाबा ने तो फट जवाब भी दे दिया। मैंने कहा नहीं, परंतु गुरु करने का कहने अधिकार नहीं। तो बाबा से प्रश्न पूछ करके रिस्पॉन्स तो मिला। मैंने कहा अभी मैं कुछ ज्यादा समझनी चाहती हूँ, वास्तव में कहा समझना, लेकिन है क्या कहे, शब्द तो स्थूल हो जाएगा, लेकिन पसंद पड़ गया समझा, तो इनको देखी देखती रहूं, क्योंकि कृष्ण की भावना रही नहीं, और जैसे कि आकर्षण ने आकर्षित कर दिया। अरे पहले दिन दिल नहीं हो तो जाए, खैर जाना तो पड़ा। बाबा ने कहा, बाबा तो सब जानते थे नहीं, बाबा ने कहा कल फिर ओम मंडली में आना, वो था स्थान दूसरा, जहाँ पर बाबा एक कमरे में गीता, छोटा कमरा था, गीता सुनाते थे। तो बाबा का वो दूसरा ओम मंडली अभी नाम नहीं पड़ा था, जसोता निवास, क्योंकि बाबा की लौकिक ज्योति ने उसके नाम पर वो स्थान था। तो कल आप जसोता निवास में आएंगे? मैंने कहा हाँ। तो टाइम दिया और मैं गई, तो जाते ही बाबा तो तैयार था, जसोता मैया सवेली उठते थे तो तैयार था, और तो आसन भी लगा हुआ था, तो मैं भी जा करके बैठी। तो उस दिनों में कोई प्लान नक्शा बक्शा नहीं था, एक बाबा ने पेंसिल से निकाला, एक देवलोक, एक मृत्यु लोक, एक पाताल लोक, बैठ करके मेरे को समझाया, लेकिन सुनते भी सुना नहीं, बिल्कुल जैसे कि कृष्ण ही देखने में आए, इतनी रही आकर्षण। फिर तो वो दिन और आज दिन मैंने कभी मिस नहीं किया, तो मैं वो ही गोपी हूँ, बस ये जिगर जान में फिर नंबर वन दूसरी बात आ गई, एक तो बाबा की आकर्षण, तो बस ये समझो कृष्ण है, भगवान की बात नहीं थी, कृष्ण कोई भगवान समझते थे, तो उनसे खेल पाल बड़ा फ्रीडम रही, और साथ में साथी भी रहा, तो होली भी खेलो, तो वो दशहरा भी खेलो, तो दिवाली भी खेलो, ये भी मेरे को नाज है, मैं नंबर वन गोपी हूँ।